कि कल जमशेदपुर आरका जैन यूनिवर्सिटी में माननीय राज्यपाल महोदय जमशेदपुर गए थे, उन्होंने वहां से एक वक्तव्य दिया कि ये जो लिफाफा आया है भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से, उसको हम कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, वो मेरे ऊपर है, इस पर किसी को चिंता करने की जरूरत है नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो मैं इस वक्तव्य को जनतंत्र और संविधान के हित में उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि इस मुद्दा के पीछे छिपा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मामला, उसमें यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोषीदार पाया है नहीं पाया है, इसका सीधा प्रभाव यहां की जनता के साथ, जनतंत्र के साथ, झारखंड के साथ, संविधान के साथ होता है। इसलिए ये मामला केवल और केवल राज्यपाल महोदय के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, इस मामला का सीधा संबंध झारखंड की जनता के साथ है, उनके भविष्य के साथ है, जनतंत्र के साथ है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जनता ने वोट देकर हेमंत सोरेन जी की सरकार को यहां बैठाया है, राज्यपाल महोदय ने वोट देकर इनको नहीं बैठाया है। तो जनता के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णायक बिंदु है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं। यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा मुख्यमंत्री है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते, तो उसको पदच्युत करना चाहिए। तो ये राज्यपाल कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा एक संदेह है, यदि वो लिफाफा नहीं खोलते हैं तो कहीं बीजेपी और जेएमएम के बीच कोई समझौता तो नहीं हो गया है, क्योंकि बीच में दिल्ली में अमित शाह और हेमंत सोरेन जी का आपसी बैठक हुआ, तो हो सकता है उधर से कोई डायरेक्शन हो, अभी लिफाफा नहीं खोला जाए। तो मुझे लगता है राज्यपाल महोदय का ये वक्तव्य पर सुधार होना चाहिए, लिफाफा खुलनी चाहिए, और यदि माननीय हेमंत सोरेन ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा वो तो रोज सजा भोगत रहा है। वो बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया था, भाई क्या चिट्ठी आप लोगों ने दी है राज्यपाल को, मुझे भी दीजिए प्रतिलिपि, मामला तो मेरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं दे सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन या प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोल के उनको टरका दिया। अब फिर जेएमएम वालों ने आरटीआई भी कर दिया है। तो मेरा कहना है राज्यपाल महोदय का ये वक्तव्य एक तरफा है, संविधान की गरिमा के अनुकूल मुझे नहीं लगता है, उनको अविलंब लिफाफा खोलना चाहिए, यस या नो जो कुछ भी है उसके अनुरूप झारखंड में सरकार चलनी चाहिए। यही व्यवस्था रहेगी तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आईएएस आईपीएस वो भी पंगु हो जाएंगे, क्योंकि वे भी अपने बॉस का इशारा समझते हैं, ये बॉस कब तक रहेगा नहीं रहेगा। तो ये हमारे झारखंड में शासन तंत्र के लिए और जनतंत्र के लिए, जनहित के लिए उचित होगा कि राज्यपाल महोदय लिफाफा खोले और जनता को इसकी जानकारी दे। देखिए भाई, झारखंड जो है ना, ये केवल नली गली रोड रास्ता बिजली स्कूल अस्पताल बनाने के लिए नहीं बना था, ये झारखंड जो है एक सपना था अबू अदिसुम अबू राज, अर्थात यहां पहले आदिवासी मूलवासी कौन है, स्थानीय कितना है, आरक्षण रोजगार में, ठेकेदारी में, दुकानदारी में, बिजनेस व्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य में उनको प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं, ये पहले तय होना था। उसके बाद बाकी चीज जो हमारी सरकार दौरे दौरे सरकार, ये सब नौटंकी जो है, ये सरकार अब कब तक बैठेगी इसका कोई अता पता नहीं है, और इसी मानसिक असंतुलन में ये सरकार धड़ाधड़ कुछ कुछ फैसला दे रही है। उसको पता है कि फिर चुनाव आ सकते हैं, गद्दी खाली करना पड़ सकता है, कुछ भी बक दो, कुछ भी बोल दो, तो इसलिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। मैं कहूंगा गवर्नर महोदय को, यदि वो वाकई गलती किए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको अपराध माना है, तो उसको दे देना चाहिए फैसला, नहीं तो बैठने दीजिए। कम से कम मानसिक संतुलन खो देने के कारण से आंधाधुंध कुछ बात फैसला घोषणा ना करें। तो कुल मिला के यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।